ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या का मामला अभी भी गरमाया हुआ है। ईरान और हमास ने इस हत्याकांड के पीछे इसराइल का हाथ माना है। इसराइल के इस मामले पर लगातार चुप्पी से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरानी सरजमी पर हमास के शीर्ष नेता की हत्या से ईरान भड़का हुआ है। ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। ईरान ने आनन फानन में इसराइल को तगड़ी धमकी भी दे डाली है। ईरान ने इसराइल को सबक सिखाने और हमास नेता की हत्या का बदला लेने की चेतावनी दी है। वहीं इसराइल भी हर तरह के खतरे के लिए खुद को तैयार करने में जुटा हुआ है। इस बीच हमास के शीर्ष नेता की हत्या पर 57 सदस्यीय मुस्लिम देशों का संगठन भी इस मामले में कूद गया है। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इसराइल को दोषी ठहराया है। ईरान ने सऊदी अरब के जेदा शहर में OIC के मुख्यालय में विदेश मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस दौरान यहां मौजूद राजनयिकों ने हानिया की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। OIC की अध्यक्षता कर रहे गाम्बिया के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की धरती पर एक राजनीतिक नेता की हत्या द्वारा आक्रामकता और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन एक ऐसा कार्य है जिसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये जघन्य कृत्य केवल मौजूदा तनाव को बढ़ाने का काम करता है। इससे संभावित रूप से व्यापक संघर्ष हो सकता है जिसमें पूरा इलाका शामिल हो सकता है। हानिया की हत्या फिलिस्तीनी मुद्दे को शांत नहीं करेगी बल्कि इसे और बढ़ाएगी। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि वह इस जघन्य हमले के लिए इसराइल को पूरी तरह जिम्मेदार मानता है। साथ ही इस हमले को ईरान की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन भी करार दिया। वहीं हानिया की हत्या पर पहली बार सऊदी अरब ने भी प्रतिक्रिया दी है। मेजबान सऊदी अरब ने भी कहा कि हानिया की हत्या ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है। ईरान के विदेश मंत्री अली बघेरी ने कहा कि जवाब देने की जरूरत है। वर्तमान में इजरायली शासन के हमलों और उल्लंघनों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसे में ईरान के पास इजरायली शासन के हमलों से बचने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में साफ है कि दुनिया के 57 देशों ने इसराइल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये ब्लॉग खुद को मुस्लिम दुनिया की सामूहिक आवाज बताता है जिन्होंने ईरान के प्रतिशोध का समर्थन करते हुए इसराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दावा है कि इस विवाद पर अमेरिका पूरी टकटकी लगाए हुए है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव कम करने की कोशिशों में जुटे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि कोई OIC सदस्य वॉशिंगटन से सहमत है कि तनाव बढ़ने से क्षेत्र में जारी संकट और बढ़ेगा। We would hope that at that OIC meeting, the same thing happens that we have been trying to effectuate throughout the last week, which is that all parties that have a relationship with Iran impress upon Iran, the same way that we've been impressing upon the government of Israel, that they shouldn't take any steps to escalate the conflict. And so obviously there are a number of countries with whom we speak who are attending that meeting, who are members of the OIC. We have heard from those countries really a broad consensus in every conversation that we have had, that they share our opinion that escalation would only exacerbate the problems facing the region. And so certainly we would hope that countries at that meeting would impress that upon Iran. बहरहाल हमास ने अब अपने नए राजनीतिक प्रमुख के नाम का ऐलान कर दिया है। याह्या सिनवार अब इस्माइल हानिया की जगह लेंगे। हमास के फैसले से अपनी मंशा साफ कर दी है कि इसराइल के खिलाफ हमास का अभियान अभी और लंबा खतरनाक चलेगा।